हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिंदास फरजान में। दोस्तों आज मैं आपको बताने लगा हूँ, कुछ दिन पहले मैंने भी एक वीडियो बनाया था स्टॉमजेन के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ इस वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इस पर आप आकर कैसे माइनिंग कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखा। यहाँ पर अगर आपने देख कर तभी माइनिंग स्टार्ट कर दी है तो यहाँ पर आपको $10 हो गया होगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका विड्रॉल कैसे लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा $21 हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज इसी वीडियो को मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इसका विड्रॉल आप कैसे ले सकते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, यहाँ पर देख सकते हैं मैं कई सारे एयरड्रॉप देता रहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सुबह सुबह NFT विनर का अनाउंस किया है। यहाँ पर देख सकते हैं जो NFT विनर यहाँ पर अनाउंस हुआ, जिसने जीता था यहाँ पर सबको NFT मिल गया होगा। यहाँ पर प्लस $5 भी मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं $5 प्लस NFT मिला है। तो अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वहाँ पर आकर ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा अच्छा एडॉप देता रहता हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं सबसे पहले आ जाता हूँ अपने वेबसाइट पर। यहाँ पर वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा अमाउंट यहाँ पर 21 USDT है। यहाँ पर USDT यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आप चलता हूँ USDT में। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिव बोनस 21.44 यहाँ पर है। तो इसको सबसे पहले विड्रॉल अमाउंट विड्रॉल लगाने से पहले आपको यहाँ से इसको ट्रेडिंग करना है। ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पर आप सबको आ जाना है ट्रेडिंग वाले सेक्शन पे। आने के बाद यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि आपको ट्रेडिंग कैसे करनी होती है। तो गाइस ट्रेडिंग करना बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बताऊँगा कि आपको ट्रेडिंग कैसे करनी होती है। यहाँ पर आपको आ जाना है ट्रेडिंग वाले सेक्शन पर आने के बाद। तो गाइस ट्रेडिंग वाले पेयर में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले USDT में शो कर रहा है सब कुछ। यहाँ पर USDT में सब कुछ शो कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको आ जाना है ये जो BTC दिख रहा है, BTC पे यहाँ ये बिटकॉइन है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको देख सकते हैं यहाँ पर सब में यहाँ पर सिलेक्ट होगा शायद लाइन करके या फिर एरिया करके सिलेक्ट होगा। तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ जो कैंडल स्टिक दिख रहा है इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। कैंडल स्टिक सेट करने के बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये 94% बाई का दिखा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में 94% बाई का दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपको जब 95 से अप होगा, मतलब 95 से ऊपर 95, 96, 97, 98, तो आपको बाई पे लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 94, तो इस पर हम नहीं लगाएंगे, इसको बैक कर देंगे। हम चलते हैं अब दूसरे पेयर में। यहाँ पर देख सकते हैं हम देख सकते हैं इथीरियम पर क्लिक करते हैं। इथीरियम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एरिया पे सेट कर है। तो यहाँ पर इसको टिक करके यहाँ पर कैंडल स्टिक पर कर देना है। कैंडल स्टिक पर करने के बाद यहाँ पर फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ये 90% है, तो इसको भी हम नहीं लगाएंगे। तो हम फिर बैक चलते हैं और कोई अच्छा सा पेयर ढूंढ लेते हैं, तो हम ढूंढ के आपको बताते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें मिल चुका है अडा करके, यहाँ पर ADA करके मिल चुका है। ये इसका नाम है करनाल्डो। यहाँ पर आप जैसे जो भी नाम है यहाँ पर आपको इस पर सबसे पहले यहाँ से कैंडल स्टिक पर टिक कर लेना है। कैंडल स्टिक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बाई का परसेंटेज यहाँ पर 99 दिखा रहा है, तो इसको हम बाई करेंगे। अब इसको बाई करने के लिए आपको बाई पर क्लिक करना है। बाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अमाउंट आप सेट करना चाहते हैं यहाँ पर आप क्लिक करिएगा। यहाँ पर हम $10 यहाँ पर लगाएंगे सिर्फ। आपके पास भी $10 होगा तो $10 आपको लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है, आपको कम ही लगाना है। लगाने के लिए आपको यहाँ पर $10 सेट करना है। सेट करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख लेवरेज यहाँ पर शो कर रहा है। तो लेवरेज यहाँ पर जैसे आप बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें इन्वेस्ट करने को बोलेगा, तो इसको आपको बढ़ाना नहीं है। जितने पे है 5x पे, तो इसको 5x पे रखना है हमें। रखने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है, तो यहाँ पर ये वैल्यूम शो करेगा, यहाँ पर कमीशन शो करेगा, सब शो करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक प्रॉफिट, यहाँ टेक प्रॉफिट के ऑप्शन पर जब क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। जैसे ऑन करोगे तो यहाँ पर ये $3 सेट है। यहाँ पर आप सेट कर सकते हो कि अगर जैसे आपको प्रॉफिट $3 हो जाता है, तो गाइस अगर आप यहाँ पर सेट करना चाहते हो कि यहाँ पर जैसे कि आपका $3 प्रॉफिट हो जाता है, अगर आप इसको सेव कर दोगे तो ये $3 प्रॉफिट आपको होने के बाद ये आप खुद ही क्लोज आउट हो जाएगा, मतलब ये खुद ही बैकअप बैक हो जाएगा आपका $3 प्रॉफिट होने के बाद। अगर आप इसको बंद रखते हो तो ये आपका प्रॉफिट जितना होता है बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक स्टॉप लॉस है, तो इसको भी आप ऑन कर सकते हो। जैसे कि आपका $3 है, $1 है, जैसे आप $3 लॉस में जाते हो, ये क्लोज आउट होकर आपका $3 जो कट के आपका जो अमाउंट था, मतलब $60 बच जाएगा। और अगर आप नहीं इसको लगाते हो तो आपका जितना कम जाएगा आपका सब बैलेंस खत्म हो जाएगा। तो इसको भी अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। मैं स्टार्टिंग में बोलूँगा कि आप यहाँ से लगा सकते हो, यहाँ पे इसको $1 पर लगा देना अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो इसको फिर मैं आपको हटा देता हूँ और फिर बताता हूँ मैं नीचे आपको। यहाँ पर देख सकते हैं फिर इतना करने के बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म टू बाई पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ सब कुछ सेट है यहाँ पर मेरा। यहाँ पर मैं कन्फर्म टू बाई पर क्लिक कर देता हूँ। कन्फर्म टू बाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख
सकते हो ऑर्डर हैज़ बिन प्लेस्ड हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको शो करेगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं अभी माइनस में चल रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सब आपका शो करने लगेगा। यहाँ पर शो करने के बाद अगर आप क्लोज़ आउट करना चाहते हैं तो यहाँ से टिप के आप क्लोज़ आउट हो सकते हैं। आप इंक्रीज़ यहाँ पर देख सकते हैं, इंक्रीज़ अगर आप अमाउंट करना चाहते हैं तो इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, तो मुझे इंक्रीज़ नहीं करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ से ट्रेडिंग होना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको जैसे ही कमीशन होगा मैं यहाँ से आपको क्लोज़ आउट करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पर लाइव मैं आपको सब कुछ करके दिखा रहा हूँ, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपको दिखाता हूँ जैसे प्रॉफिट होता है मेरा कुछ, वहाँ से मैं यहाँ से क्लोज़ आउट होके मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो थोड़ा देर हो चुका है, पर यहाँ पर मेरा सब कुछ माइनस में ही, तो मैं यहाँ पर वीडियो क्लोज़ करने वाला हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं स्टार्ट रखूँगा तो ये बहुत ही लंबा वीडियो होने वाला है, तो इस पर आपको टाइम देना होता है। तो यहाँ पर आपको टाइम देने के लिए आपको यहाँ पर हर बार आके, यहाँ पर जैसे ही आप अमाउंट लगा दोगे तो आपको हर बार आके यहाँ पर चेक करते रहना है कि आप अगर प्रॉफिट में जा रहे हो कि लॉस में जा रहे हो। तो अगर लॉस में जाते हो ज़्यादा तो यहाँ से आपको क्लोज़ आउट करके हट जाना है। तो क्लोज़ आउट आपको कैसे करना होता है, यहाँ पर क्लोज़ आउट पर जैसे क्लिक करोगे और क्लोज़ आउट करोगे तो यहाँ से आपका सब कुछ क्लोज़ हो जाएगा। जो भी माइनस में रहोगे तो आपका माइनस जो अमाउंट होगा वो माइनस कट के आपका जो साथ जो डॉलर बचेगा वो आपको अमाउंट में बोनस में इंस्टेंट जुड़ जाएगा। अगर आप यहाँ से प्रॉफिट में रहते हो तो क्लोज़ आउट होते हो तो आपका जो अमाउंट होता है प्रॉफिट वाला, वो प्रॉफिट वाले यहाँ से आप जब आओगे चेक करोगे इथर में, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा ट्रेडिंग पर लगा हुआ शो कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही आप अगर प्रॉफिट में होते हो तो आपके यहाँ पर योर फंड योर ऑन फंड में यहाँ पर शो करने लगेगा। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर कर रहा हूँ, तो गाइस मुझे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं यहाँ पर लगा दिया हूँ। मैं चेक करता हूँ, मैं प्रॉफिट होता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दूँगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको बताता रहूँगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।